दोस्तों, क्या मुझे आप ऐसे इंसान के बारे में बता सकते हो जिसे ज़िंदगी में कोई रोग सर्दी जुखाम ना हो? मुझे लगता है कि इसका जवाब बहुत ही जटिल है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे अपने जीवन में किसी वायरस या जीवाणु का संक्रमण ना हो। इंसानों को तो छोड़ो, कभी कभी ये आँख से ना दिखने वाला जीव जानवरों को भी नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम इतिहास का सबसे घातक वायरस के बारे में जानेंगे, इसीलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वायरस और महामारी के नाम सुनते ही किसी का भी रूह कांप उठता है। ये अति सूक्ष्म जीव किसी से न बोले न बताए इंसान या अन्य जानवरों के शरीर के इतनी अंदर घुस जाते हैं कि कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता है। पहला है मार्गबर्ग वायरस। दोस्तों, सबसे पहले वैज्ञानिकों ने मार्गबर्ग वायरस की पहचान सन 1967 में किया था, जब जर्मनी में लैब कर्मचारियों के बीच में ये वायरस दिखा गया, जो कि युगांडा से आयातित संक्रमित बंदरों के संपर्क के माध्यम से हुआ था। मार्गबर्ग वायरस इबोला के समान है, जिसमें दोनों रक्त शराबी बुखार पैदा हो सकता है, जिसका अर्थ है कि संक्रमित लोग पूरे शरीर में उच्च बुखार और रक्तस्राव का विकास करते हैं, जो सदमे, अंग विफलता और मृत्यु का कारण बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि पहली बार इससे होने वाला मृत्यु दर करीब 25% थी, जबकि 1998 में ये बढ़कर 80% तक पहुंच गई थी। दूसरा है रेबीज वायरस। दोस्तों, अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं तो कभी कभी सतर्क रहना भी मत भूलिएगा, क्योंकि यह है रेबीज वायरस, जो कि पालतू जानवरों के काटने से इंसानों पर फैलता है। दोस्तों, इसके लिए वैज्ञानिकों ने 1920 के दशक में टीके तैयार बना दिए थे। इसकी वजह से विकसित देशों में मृत्यु दर में कुछ तो कमी आई थी, मगर भारत और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ये एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ये रोग आदमी की मस्तिष्क को नष्ट कर देता है। ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है। दोस्तों, खुशखबरी ये है कि हाल में हमारे पास रेबीज के खिलाफ एक टीका है और हमारे पास एंटीबॉडी है, जो कि रेबीज के खिलाफ काम करता है। अगर आप रेबीज का इलाज ठीक समय पर नहीं करते हैं तो 100% संभावना मौत को लेकर आता है। तीसरा है डेंगू वायरस। दोस्तों, डेंगू वायरस पहली बार 1950 के दशक में फिलीपींस और थाईलैंड में दिखाई दिया। तब से ये बीमारी दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैल गया। दुनिया की 40% आबादी अब उन क्षेत्रों में रहती है जहां डेंगू स्थानिक है, और ये बीमारी मच्छरों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है। WHO के अनुसार डेंगू एक वर्ष में 50 से 100 मिलियन लोगों को बीमार कर सकता है। हालांकि डेंगू बुखार के लिए मृत्यु दर कुछ अन्य वायरस की तुलना में कम है। 2.5% लोग पर ये वायरस डेंगू रक्तस्रावी बुखार नामक एक इबोला जैसी बीमारी का कारण बन सकता है। और दोस्तों, अगर आप उसे बिना इलाज किए छोड़ दिया जाए तो उस स्थिति में मृत्यु दर 20% हो जाती है। कुछ देशों में 9 से लेकर 45 वर्ष की उम्र के लिए एक अनुमोदित टीका उपलब्ध है। चौथा है इबोला वायरस। दोस्तों, इबोला का प्रकोप सबसे पहले रिपब्लिक ऑफ द सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में सन 1976 में हुआ था। एलके मुहालबर्ग, जो कि बोस्टन यूनिवर्सिटी के इबोला वायरस एक्सपर्ट और माइक्रोबायोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर थे, उन्होंने लाइफ साइंस को बताया कि ये रोग खून या शरीर के अन्य तरल पदार्थ संक्रमित लोगों या जानवरों के संपर्क के माध्यम से फैलता है। WHO के अनुसार शुरुआती दिनों में इबोला के वजह से होने वाला मृत्यु दर 50% था, जबकि कुछ समय बाद बढ़कर ये 71% हो गया था। WHO का मानना था कि यह बीमारी उस वक्त का सबसे बड़ा प्रकोप था जब ये 2014 में पश्चिम अफ्रीका में अपना तांडव मचा रहा था। पांचवा है HIV वायरस। आधुनिक दुनिया का सबसे घातक वायरस पर से HIV भी एक माना जाता है। अमेरिका के एक फिजिशियन डॉक्टर अमेश अडलजा ने कहा है कि ये वायरस भी एक बड़ा हत्यारा बन सकता है। 1980 के दशक की शुरुआत में इस बीमारी से पहली बार अनुमानित 32 मिलियन लोगों की मौत हुई थी।
वैज्ञानिकों का कहना है कि संक्रामक रोग जो कि मानव जाति पर सबसे बड़ा खतरा है तो वो है HIV। मगर दोस्तों खुशखबरी यह है कि शक्तिशाली एंटीवायरल दवाओं ने लोगों को HIV के साथ बरसों तक रहना संभव बना दिया है। ये वायरस ने दुनिया के कई सारे मध्य आय वाले देशों को तबाह करना जारी रखा है। WHO ने बताया है कि अफ्रीकी क्षेत्र के भीतर हर 25 वयस्कों में से लगभग एक HIV पॉजिटिव होते हैं। छठवां है मर्स वायरस। दोस्तों मर्स वायरस जो श्वास प्रश्वास प्रणाली में खराबी का कारण बन सकता है, ये वायरस 2012 में सऊदी अरब और 2015 में कोरिया में दिखा गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि मर्स और सार्स कोविड जैसा घातक वायरस एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और इसी तरह सार्स कोविड 2 एक ऐसी बीमारी है जो कि संभावित रूप से चमगादड़ों पर से उत्पन्न हुआ था। दोस्तों ये रोग मनुष्यों में जाने से पहले ऊँटों को संक्रमित करता है और संक्रमित लोगों में बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ को ट्रिगर करता है। मर्स अक्सर गंभीर निमोनिया के लिए आगे बढ़ता है और 30 से लेकर 40% के बीच अनुमानित मृत्यु दर कहा जाता है। इससे हमें ये मालूम होता है कि एक जानलेवा घातक बीमारी जानवरों से लोगों में कूद गया। मर्स, सार्स कोव और सार्स कोविड 2 का कोई अनुमोदित उपचार या वैक्सीन नहीं है अभी तक। सातवां है कोविड-19। दोस्तों कहा जाता है कि सार्स कोविड 2 वायरस भी उसी परिवार से संबंधित है जिसे सार्स कोविड संबंधित है। दोस्तों सार्स कोविड 2 की पहचान सबसे पहले दिसंबर 2019 में चीनी शहर वुहान में किया गया था। इस वायरस की उत्पत्ति सार्स कोविड जैसे चमगादड़ों में से होती है और लोगों को संक्रमित करने से पहले एक मध्यवर्ती जानवर से गुजरता है। अपनी उपस्थिति के बाद से ये वायरस ने चीन के हजारों लोगों और दुनिया भर में लाखों को संक्रमित किया है। जारी प्रकोप ने वुहान और आसपास के शहरों की व्यापक गतिविधियों को बुरी तरह से बंद कर दिया है। इसकी वजह से हजारों देशों बीच का जो आवत जावत था वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। और दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि इस वायरस ने दुनिया भर के साइंटिस्ट, डॉक्टरों और रिसर्चरों को इसके वैक्सीन विकसित करने के लिए प्रेरित किया। सार्स कोविड 2 नामक बीमारी जिसे कोविड-19 कहा जाता है, इसकी वजह से अनुमानित मृत्यु दर लगभग 2.3% है। रिसर्चर का कहना है कि जो लोग अधिक उम्र के हैं या वे स्वास्थ्य जटिलता से गुजर रहे हैं उनमें ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाता है। सामान्य लक्षणों में बुखार, सूखी खांसी और सांस की तकलीफ शामिल है और रोग गंभीर मामले में निमोनिया होकर मौत भी हो सकता है। दोस्तों ये तो थे इतिहास का सबसे घातक वायरस। कहीं आप भी तो किसी वायरस के चपेट में नहीं है? और सबसे घातक वायरस कौन सा लगा जरूर कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।